अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ आलू चने की चाट। उसके लिए मैं यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के आलू यूज़ कर रही हूँ। इन्हें मैंने बॉईल कर लिया और पीसेस में कट कर लिए। एक मीडियम साइज़ की प्याज ग्रीक स्लाइसेस में कट की है, 5 अदद हरी मिर्च, आधा टमाटर स्मॉल साइज़ का, 2 टेबलस्पून इमली की चटनी, 1 बाउल चने बॉईल किए हुए, इसे मैंने 5 घंटे के लिए पहले भिगो दिया था और आधे घंटे के लिए फिर मैंने इसे बॉईल कर लिया, 1/2 टेबलस्पून नमक डाल के, 1 टेबलस्पून शुगर चीनी, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक और 1 चुटकी गरम मसाला। ये इमली का खट्टा पानी है, इसमें 1 प्याली इमली और 1 गिलास पानी मैंने इस चने चाट में जो मैंने खट्टा पानी यूज़ करना है उसके अंदर मैं ये सारे मसाले ऐड कर दूँगी पहले इमली के पानी में, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मसाले डालने के बाद मैंने इसका खट्टा पानी तैयार कर लिया है, इसे मैं साइड पे कर दूंगी। एक बाउल लूंगी मैं जिसमें मुझे चाट बनानी है। सबसे पहले मैं इसमें बॉयल चने ऐड करूंगी, उसके बाद आलू, प्याज, टमाटर, मिर्च, इमली की चटनी। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद ना हो तो आप चीनी थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब ये बनके तैयार है। अब मैं इसे अलग से सर्विंग बाउल में, आलू चना चाट की रेसिपी बनके तैयार है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। बाहर से मंगवाने की निस्बत इसे घर में बनाया जाए तो ये ज़्यादा मज़े की बनती है। आप इसे ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।